मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो अजीबोगरीब हालात से गुजर रही होती है। उनमें आदमी का नाम चार्ली मॉर्गन, उसकी वाइफ सैरा और उनके दो बच्चे, एक बेटा जिसका नाम डेनियल और बेटी एमिली थी। पहले तो वो लोग अपनी लाइफ बड़ी खुशी खुशी स्पेंड कर रहे होते हैं, फिर उनकी जिंदगी एक अजीब मोड़ लेती है और जब उनकी जिंदगी में बुरे बुरे वाकियात होना शुरू हो जाते हैं। कुछ अर्सा पहले ही उनका एक छोटा सा बेबी भी मर चुका होता है और उस बच्चे की डेथ को लेकर सब लोग बहुत सैड थे, खासतौर पर चार्ली जो इस बात को भुलाने को तैयार ही नहीं था। वो काफी डिप्रेस था और इसी डिप्रेशन में रहते हुए उसकी जॉब भी चली गई होती है। फिर उनके बेटे डेनियल को नींद में चलने की बीमारी हो गई, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद हालात मजीद खराब हो जाते हैं क्योंकि तब डेनियल नींद में तो नहीं चलता था लेकिन वो बिस्तर पर लेटे लेटे ही पैरालाइज हो जाता था। और सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि उस पूरी फैमिली को नींद में चलने की बीमारी हो गई थी। नींद में जाते ही वो लोग अपने होश में नहीं रहते थे जिसकी वजह से वो काफी डरे होते थे। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। फिर वो एक फीमेल डॉक्टर के पास जाते हैं जो ऐसे केसेस में काफी एक्सपर्ट होती है। उस डॉक्टर का नाम एलिस होता है। वो उन लोगों की रिपोर्ट देखती है और इस केस को एक नॉर्मल केस ही समझती है। वो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये एक सिर्फ स्लीप टेरर और इस एज में छोटे बच्चों को अक्सर ऐसा हो जाता है। फिर एलिस ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है जब चार्ली उसे बताता है कि ये सब सिर्फ डेनियल के साथ नहीं हो रहा बल्कि हम पूरी फैमिली को नींद में चलने की आदत। सुनने में तो ये बात काफी अजीब लगती थी लेकिन एलिस एक डॉक्टर थी। वो जस्ट उनको मेडिसिन रिकमेंड करती है और साथ में ये कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं और ये ठीक हो जाए। उनके साथ होने वाली कंडीशन से एलिस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इवन की वो फैमिली भी इसको इतना सीरियस नहीं लेती और वो लोग घर आ जाते सिवाय डेनियल के जो बहुत डरा हुआ था। डेनियल अपनी नींद से बहुत डरता था लेकिन इसके बावजूद वो खुद पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा। फिर एक रात कुछ अजीब चीज उन लोगों के साथ होती है जब डेनियल बेड पर होता है जबकि सारी फैमिली नींद में चलना शुरू कर देती। वो लोग नींद में काफी अजीब हरकतें भी किया करते थे, जैसे चार्ली ये समझ रहा था कि उसकी गोद में उसका मरा हुआ बच्चा है और वो उसे बुला रहा था। दूसरी तरफ सैरा जो ग्राइंडर में कुछ चीजें डाल रही थी और साथ में उसने अपना हाथ भी डाला हुआ था और उसमें से कुछ निकाल कर वो खाने की कोशिश भी कर रही। इवन की उनकी छोटी बेटी एमिली भी अपने होश में नहीं होती। वो एक सीजर लेती है और अपने सारे टेडी बियर्स के सरों को काट देती है। ये सब चीजें उन लोगों के लिए काफी डिस्टर्बिंग थी और साफ नजर आ रहा था कि ऐसा उनसे कोई करवा रहा है। वो लोग काफी डेंजर बन चुके थे, इवन की वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते थे, एक दूसरे की जान भी ले सकते। इन लोगों के अलावा सबसे बुरा हाल तो डेनियल का था क्योंकि वो पूरी तरह पैरालाइज हो चुका था। वो अपने बिस्तर से उठने की बहुत कोशिश करता है, अपने पेरेंट्स को बुलाता है लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती है। और ठीक उसी वक्त वहाँ पर डेनियल के साथ एक काले रंग की एंटिटी भी नजर आती है। फिर देखते ही देखते वो सब लोग होश में आ जाते हैं। जब वो डेनियल को देखते हैं तो वो उसे बहुत बुरी हालत में पाते हैं क्योंकि हालात अब काफी संगीन हो चुके हैं। वो दोबारा फिर डॉक्टर एलिस से मिलते हैं। डॉक्टर एलिस उन सबको एक रात के लिए एडमिट कर देती है। वो उन सबके टेस्ट लेती है और ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो उन सबको एक रूम में सुलाने के बाद कैमराज के जरिए उन्हें मुसलसल देखती है। आधी रात गुजर चुकी होती है, तब तक तो सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन जरा सा जहन एलिस का कंप्यूटर से इधर उधर होता है तो उन लोगों के साथ फिर से अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। डेनियल तो पैरालाइज हो चुका होता है और बाकी सब नींद में अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू करते हैं। फिर अचानक से डेनियल ये महसूस करता है कि जैसे कोई उसे बिजली के झटके लगा रहा हो। ये सारी आवाजें जब एलिस तक पहुंचती हैं तो वो और उसका डॉक्टर फौरन उनकी हेल्प के लिए भागते हैं। वहां पर चार्ली अचानक से एलिस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन फिर एक लड़का कैम जो उस हॉस्पिटल में स्वीपर होता है वो चार्ली के सर पर वार करता है और एलिस की जान बच जाती है। इस हादसे के बाद चार्ली को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने एलिस पर हमला किया और उसे जान से मारने की कोशिश की। हालांकि ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया। उस फैमिली को इसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है और एलिस उस फैमिली का इलाज करने से इनकार कर देती है और वो लड़का कैम भी काफी डरा हुआ होता है और इस जॉब से रिजाइन दे देता है। और साथ में वो एलिस को ये मैसेज देकर जाता है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो उस फैमिली से दूर रहो और साथ में वो उसे एक नाम देकर वहां से चला जाता है। और फिर काफी बात हमें ये पता चलता है कि वो बात दरअसल डेमन की कर रहा है। फिर एलिस घर आकर उस नाम पर रिसर्च करती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि उन लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ नॉर्मल नहीं है। और फौरन एलिस को अपने बचपन का एक किस्सा याद आ जाता है। वो अपने पास्ट में चली जाती है जहाँ पर एक रूम में दो बच्चे सो रहे थे, एक लड़का और एक लड़की। वो लड़की एलिस थी और उसके साथ सोने वाला उसका छोटा भाई था। उसके भाई को भी नींद में चलने की बीमारी होती है और उसी रात वो काफी अजीब बिहेवियर करता है। उसके रवैये से ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी डरा हुआ है और उसी रात उस बच्चे की डेथ हो जाती है। उसे लेकर एलिस काफी परेशान रहती है। वो खुद को इसका जिम्मेदार समझती है कि उसने अपने भाई की जान नहीं बचाई। एलिस इन सब सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स को मान लेती है और वो ये जानना चाहती थी कि आखिर उस फैमिली के साथ ऐसा क्यों और क्या हो रहा है और साथ में उसके भाई के साथ भी उस रात क्या हुआ था। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो फैमिली भी काफी मुश्किल में क्योंकि चार्ली के जेल जाने के बाद सिर्फ सैरा ही अपने बच्चों का ख्याल रख रही है। फिर उसी रात उनके साथ कुछ अजीबोगरीब होता है और जब सैरा होश में आती है तो वो देखती है कि उसकी छोटी बेटी एमिली ने अपने डॉग को उसी सीजर से मार डाला था और डेनियल भी पैरालाइज हो चुका होता है। एलिस को उस फैमिली की बहुत फिक्र होती है और वो उनकी हेल्प भी करना चाहती है। सबसे पहले वो चार्ली की जमानत करवाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि इन सब हादसात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये सब कुछ सुपरनेचुरल है और सोचते हैं कि उन्हें किसी ऐसे शख्स के पास जाना चाहिए जो इन सब बातों को जानता हो। तब फौरन एलिस को कैम का ख्याल आता है जो इन सबको डेमन कह रहा था। वो लोग कैम से मिलने जाते हैं। तब उन्हें ये पता चलता है कि ये सब कुछ कैम के साथ नहीं हुआ बल्कि उसके ग्रैंडफादर के साथ हुआ था। अब वो काफी बूढ़ा हो चुका था, उसका नाम अमेडो था। वो चार्ली और एलिस को बताता है कि ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि डेमन कर रहा है और वो ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक वो डेनियल की जान ना ले ले, यानी अब डेनियल का बचना नामुमकिन था। ये सब कुछ अमेडो के साथ भी हो चुका था लेकिन वो इसलिए बच गया क्योंकि उसकी जगह कोई और मर चुका था। लेकिन इसके बाद भी डेमन ने अमेडो का पीछा नहीं छोड़ा। तब उसने अपनी आई लीड से काट
दी और उसके बाद कभी भी उसे नींद नहीं आई। यहाँ साफ जाहिर हो जाता है कि ये डीमन काफी पावरफुल है जो सिर्फ नींद के वक्त ही आता है। लेकिन वो लोग इस मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो डीमन के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। उन्हें पता चल जाता है कि डीमन का मेन सोर्स डैनियल है और जब डैनियल सो जाएगा तो तभी डीमन आ जाएगा जो कि बाकी लोगों पर भी अपना कंट्रोल कर सकता है। तब वो कोशिश करते हैं कि वो डैनियल को जगाए रखें। वो लोग डैनियल को इंजेक्शन देते हैं और फिर एनर्जी ड्रिंक जिसकी वजह से वो एक रात तो इजीली जाग लेता। लेकिन ये डैनियल को बचाने का सही रास्ता नहीं था, जिस पर एलिस उन सबको बताती है कि चाहे डीमन हो या गोस्ट इस डायमेंशन में नहीं आते बल्कि वो किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं और अगर हम डैनियल की मदद इस दुनिया में रहकर नहीं कर सकते तो हमें ख्वाबों की दुनिया में जाना पड़ेगा क्योंकि डीमन भी वहां पर होता है। क्योंकि उन लोगों के पास कोई और रास्ता तो नहीं होता इसलिए सब लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं। सबके सब इंजेक्शन लेते ही नींद में चले जाते हैं। डीमन बहुत स्ट्रांग होने की वजह से उन्हें ख्वाबों में भी विजन्स दिखा रहा होता है और वो ख्वाबों में भी अपने होश खो बैठते हैं और वही करते हैं जो उनका दिल करता है। सबसे पहले तो चार्ली को अपना मरा हुआ बेटा नजर आता है, एलिस को अपना मरा हुआ भाई नजर आता है और सैरा जो खुद ही अपने दांतों को तोड़ रही है। वहाँ पर जो होश में होता है वो होता है डीमन और उन लोगों में से जो होश में होता है वो होता है अमेट। वो डैनियल की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन डीमन उसे भी पोजेस कर लेता है और फिर एक वक्त पर एलिस को इस बात का पता चल जाता है कि ये सिर्फ ड्रीम है, रियलिटी नहीं है। और जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है तब उस पर से डीमन का असर खत्म हो जाता है। वो फौरन डैनियल को बचाने के लिए भागती है लेकिन अब तक डीमन ने अमाडो पर अपना कंट्रोल किया हुआ था और वो डैनियल को मारने वाला था। तब एलिस फौरन अमाडो को जान से मार डालती है। डीमन को इस दुनिया में से भेजने की एक वजह होती है, जब कोई उसके लिए सैक्रिफाइस करे तो वो यहां से चला जाता है। लेकिन उसके बाद एलिस को पागल समझा जाता है और उसको अजाइलम में भेज दिया जाता है। हम देखते हैं कि अब डीमन एलिस की छोटी बेटी के पीछे लग गया है और वो उसे भी जल्द मार देगा। फिर हमें बताई जाती है डीमन की रियलिटी, ये तब पैदा हुआ जब पहले मर्डर का इस दुनिया में किसी ने ख्वाब देखा था। ये कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है और जो बुरे ख्वाब आते हैं उसके आने की वजह भी यही होती है। ये डीमन काफी पावरफुल होता है और उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी मुख्तलिफ शेप्स दिखा सकता है। पहले वो बच्चों को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाता है ताकि बच्चे डीमन के फ्रेंड बन जाए, लेकिन बाद में वो अपना असली रंग दिखाता है। वो अपने शिकार को आहिस्ता आहिस्ता मारता है जिससे उसे काफी मजा आता है और एंड सीन में ये दिखाया जाता है कि एलिस पागल नहीं होती, वो डीमन वाकई ही अब एलिस की बेटी के साथ होता है।